हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है संडे, सो मेरी फ्रेंड मोनू का कॉल आया और उसने बोला कि चल मिलते हैं। एक्चुअली शी इज़ गोइंग बैक टू उज्जैन, उसके इन लॉज का हाउस है वहाँ पर। वो बहुत टाइम से यहाँ थी, उसकी शादी हो गई है। ठीक है, ओके, सो मैं जल्दी जाती हूँ, बहुत बकवास कर ली मैंने और मेरे को जल्दी से रेडी होना है, तो अभी मैं जा रही हूँ और रेडी होकर आती हूँ। Hi guys, meet her. क्योंकि मैं ही हमेशा नहीं बोलू, आज नहीं मिलते, नहीं बोलू कल मिलते, नहीं बोलू तब मिलते, और ऐसे करके एक ही शहर में रहते हैं। बट शायद एक साल हो गया है ऑलमोस्ट ना मिले हुए। लास्ट टाइम मिले थे मेरे बर्थडे पे, आई गेस 15th ऑफ मे को। यस, उसके बाद हम अब मिल रहे हैं। मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट, मेरी गलती है गाइस, मेरी गलती है, लेकिन आज से मिल गई और इट्स अ ब्लेसिंग। हम मिले और शॉपिंग ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोगों ने कुछ कुछ प्लेसेस डिसाइड किए जहाँ हमें जाना है। हम लोग वहाँ जाएंगे, इसको भी शॉपिंग करनी है और मैं भी कुछ कर ही लूंगी शॉपिंग। फिर शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग गए अपनी ज्वेलरी लेकर, जिसके कुछ पर्ल्स निकल गए थे, उसको रिपेयर करवाने के लिए। फिर हम गए इनर सर्कल पूरी होप के साथ कि हमें कोई अच्छी ड्रेस मिल ही जाएगी यहाँ पर, बट हमें वहाँ कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हम पहुँचे क्यू, वहाँ पर मैंने एक ड्रेस ट्राई करी, एक जींस के ऊपर ही ट्राई कर ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था, और बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो ड्रेस भी पसंद नहीं आई। गाइस, हम शॉपिंग करने आए हैं और इसके यहाँ देख लो मस्ती खत्म नहीं हो रही, क्योंकि हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है ना। या तो मस्ती कर लूँ या फिर कुछ अच्छा सा खरीद लूँ, एक ही चीज़ कर सकती हूँ क्या? दोनों चीज़ करोगी? पहले हम गए आउटफिट सिलेक्ट करने के लिए और हमें अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। लोगों को बेसिलिक मॉल जाना चाहिए और वहाँ जाके ज़ारा या फिर कोई और सा ब्रांड हम एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले हमें कुछ पेट पूजा कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत भूख लगती है। तो मैं जा रही हूँ राजमा चावल खाने के लिए और इसको भी राजमा चावल खिलाऊंगी अपने साथ। क्या खाना है? राजमा चावल। इसके अलावा जिंदगी में कुछ और बचा है राजमा चावल के अलावा? मैं दिल्ली की हूँ और दिल्ली के लोग राजमा चावल पे खाते हैं। उसके बाद हमने खाए रेडी से राजमा चावल, जो कि बहुत 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 यम थे। उसके बाद पता नहीं मोनू को भूत चढ़ रहा था इमली खाने का, तो हम लोगों ने इमली खरीदी और उसके साथ साथ मैंने अपने आप को थोड़ा सा निहार लिया क्योंकि मुझे उस टाइम हो गया था पिंपल, और जो कि बहुत बड़ा हो चुका था अभी तक। ट्राई कर रहे हैं और ये इसमें मोनू अच्छी होनी चाहिए। और हम फिर से वापस गए ज्वेलरी वाले भैया के पास, जिनको हमने मोनू का नेकलेस दिया था रिपेयर होने के लिए, और ये रिपेयर होने के बाद वापस से बहुत प्रिटी लग रहा था और लग ही रहा है मेरी खुशी देखकर। कर दिया भैया ने, बिल्कुल भैया से मिल लो, हाय भैया, लग रहा है, हाय कर दो। और ये देखो ऐसे ज्वेलर्स के आगे भैया बैठते हैं, आपको कुछ भी अपना रिपेयर करवाना है या यहाँ से कुछ बाय भी करना है तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, भैया आपको यही मिलेंगे। एक बजे के बाद जब मर्जी आ सकते हो गाइस, ठीक है? बुधवार की छुट्टी है भैया, सब कुछ बता रहे हैं आपको। और फिर थोड़ी सी और मस्ती के बाद हम गए पैसिफिक मॉल, जारा, और यहाँ हम सोच कर गए थे कि अब तो हम कुछ परचेस करके ही आएंगे क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी परचेस नहीं किया था। बट उस दिन थी जारा में सेल, और जारा में सेल का मतलब है ट्रायल रूम के बाहर बहुत लंबी क्यू। एक पल तो मन आया कि हम चलो विदाउट ट्रायल करके ही ले लेते हैं, फिर हमने सोचा कि नहीं यार, क्यों पैसे वेस्ट करना। और फिर फॉर्चुनेटली हमारा नंबर आ गया था। फिर मैंने ट्राई किया ये टॉप जो कि मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी इसको लेकर। फिर मैंने ट्राई की एक ड्रेस जो कि बहुत ऑफिशियल लग रही थी। फिर हमने और भी चीज़ें ट्राई करी जो कि हमें अच्छी लगी, तो मैंने जाके बिलिंग करवा ही ली और एट दी एंड मैं बहुत खुश थी क्योंकि हमने शॉपिंग कर ली थी। सो गाइस, फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है फ्रॉम ज़ारा एंड दो, एक ड्रेस एक टॉप लिया है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज थे कि ले या नहीं ले, क्योंकि ड्रेस बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और जो टॉप है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेक्सी है। बट अभी हम ये कंफ्यूज है कि वो मोनू लेगी या मैं, मतलब ये कंफ्यूज है कि वो टॉप मैं लूंगी या ये लेगी। हाँ, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, उसके हमने खरीद लिया। अच्छा, हमने खरीद लिया कि कोई और ना ले। हाँ, वी डिसाइडेड लेटर ऑन कि कौन सा लेना है। बोलूं वी आर एक्चुअली सेल्फिश कि कोई ले ना ले, इसलिए हमने वो टॉप परचेस किया है।
और फिर हम गए फूड कोर्ट क्योंकि हमें लग रही थी बहुत जोरों की भूख और हमने सुबह से सिर्फ और सिर्फ राजमा चावल खाए हुए थे। गाइस हम भुक्कड़ों की तरह बस खाएंगे अब। वो कैप्चर नहीं कर रही है। ए गाइस अभी मैंने ब्लंडर कर दिया था, बोलूं बताइए कि क्या किया मैंने। गाइस इतनी पागल है ना, इसमें ये ज़ारा का पैकेट पता नहीं कहाँ से क्या। नहीं 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 एक्चुअली मैंने ज़ारा का पैकेट ना नीचे रखा था टेबल के नीचे और हमने ना सीट ना चेंज करी, जैसे सीट चेंज करी ना मैं बैग उठाना भूल गई और फिर हमने कंप्लेन करी। गाइस फिर हमने मैनेजर से बात की, इसी ने करी मैनेजर से बात और फाइनली उन्होंने हमें रिटर्न किया ये। आई गेस उनके किसी स्टाफ ने उठा लिया होगा, उन्हें किसी कूड़ा लगा होगा, कूड़ा समझ के उठा लिया। ओके सो हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है आज, हमने बहुत सारा खाना खाया है आज और करियो बहुत अच्छे रेट पे शॉपिंग करी है। यू कांट बिलीव दिस कि हमने हम बताएंगे नहीं क्या क्या लिया है हमने, ऑफ कोर्स वो हम बाद में बताएंगे क्योंकि वो अभी किसी चीज के लिए स्पेसिफिक। ठीक है और गाइस बस हम लोग ये व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं और अपने अपने घर जा रहे हैं बिकॉज हम दोनों को एक एक घंटा लग जाएगा अराउंड घर पहुँच। बाय बाय बाय।